न्यूज़ क्लिक इस समय पहुंचा है चमन पार्क मुस्तफाबाद में। यहां पर शिव विहार से जिस तरह की आगजनी जली, जिस तरह से घर जलाए गए, जिस तरह से मारकाट हुई, वहां पर अपनी जान को बचाकर किसी तरह से भागकर यहां पर लोग पहुंचे हैं। लोगों ने अपने घरों पे उनको शरण दी है और करीब उनकी संख्या 5,000 से अधिक बताई जाती है। यहाँ समुदाय के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सारी महिलाएँ यहाँ पर अपने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं। उनसे हम करेंगे बात और जानना चाहेंगे कि क्या वे वापस शिव विहार जाना चाहती हैं। बहुत मुश्किल से निकले हैं। जब हमारे घर के आगे दो गली छोड़ के शॉपों में आग लगाई जा रही थी, तब हमने कहा अब यहाँ बचना बिल्कुल भी नहीं है। अब बस हम निकल ही गए वहाँ। हम जानते मैडम कैसे निकले, पैरों में पत्थर चुभे, कंचे चुभे, अपने छोटे भाई बहन को लेके, चप्पल भी नहीं पहनी मैडम, ऐसे भाग के आए, पूरा घर बार सब ऐसे छोड़ के आए मैडम। हमें जानते हैं हम कैसे अपने मौत के मुँह में से निकल के आए वहाँ से, और इतने ब्लास्ट हो रहे थे हम बता नहीं सकते। हमारी शॉप वॉपे सब जला दी गई हैं। जब मौत हाँ। मड़राती है तो भागना ही सोचता है। जब जंगल में आग लगती है तो इंसान रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है किधर हमें जाना चाहिए। वैसे ही हमारा साथ हुआ। सब खाली कर दिया इधर उधर। जब हमने सबको भागते हुए देखा तो हम भी भागने लगे। जब हमने सबको भागते हुए देखा तो पीछे पीछे हम भी भागने लगे। कहीं तो सहारा मिलेगा, कोई तो ऊपर वाला। हम बच्चों को गोद में लेते कि सामान लेते मैडम? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, तीन बेटियां हैं, एक बेटा है मेरा। भाइयों को ये सब जले हुए हैं। तेजाब कैसे फेंका? नीचे से फेंका मैं, छत पे। नीचे करो, नीचे करो। पहली बात तो वहीं के लोग हैं कुछ, बाकी बाहर के भी हैं लोग, उसमें बाहर के भी लोग हैं। नहीं, कोई नहीं आया बचाने। नहीं, नहीं, वहाँ का कोई लोग नहीं आया। वहाँ के लोग कोई नहीं आए बचाने के लिए। नहीं। 25 फोटा रोड मदीना मस्जिद के पास की रहने वाली हूँ। 21 नंबर गली, जो मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैं 2 दिन से कमरे में बंद थी अपने इन बच्चों को लेके। ये हैंगे मेरे 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा है। मैंने वो हालात देखे थे। पीर का दिन था और इन लोगों की मीटिंग चल रही थी। कुछ भाई इधर थे हिंदू, कुछ भाई इधर थे मुसलमान। उन लोगों की क्या मीटिंग थी हमें ये पता ही नहीं चल रहा था। हम तो ये समझ लेते भाई भाई एक है, सब कहते हैं भाई भाई एक है, भाईचारा एक है ना, बहन बेटी एक है ना। लेकिन पता नहीं किस तरीके से क्या हुआ, मतलब उन लोगों ने मीटिंग बनाई। कुछ लोग बाहर के थे जो उन्होंने अटैक उधर से ही करा था पहले, ठीक है। जब मुसलमानों को ये वाली बात पता लगी तो वो लोग तो अंदर ही चले गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब कुछ भी बात हुई, हेडनेस दोनों में हुई, लेकिन पता है क्या हुआ, वहाँ पर तेज़ाब की बोतलें निकाली गई, ठीक है ना, उसमें भरा गया। हम बार बार आते कमरे में से निकल करके, हम देखते हुए वापस चले जाते अपने बच्चों में, फिर आते फिर चले जाते। जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लगाओ, और जो जय श्री राम के नारे लगाएगा वो शिव विहार में रहेगा। यहाँ मुल्लाओ तुम्हारी माँ बहन एक एक करके, उन्होंने ऐसे ही बोला था जब भी हम वहीं खड़े थे। गैस के सिलेंडर निकाले गए, जो मदीना मस्जिद के आगे थे मेंबर वो पहले ही निकल गए थे। हम कमरे में बंद थे, हमें कुछ भी नहीं पता। फिर हमने एक बात सोची थी कि मतलब इतना सब कुछ हो रहा है तो हम कैसे निकलेंगे यहाँ पर। फिर हमने फिर देखा दोबारा किसी की वैन आ रही है पीछे से, किसी के दरवाजे मतलब बजाते हुए देखा, किसी की मोबाइल की शॉपें जल रही हैं, किसी भाइयों की दुकानों में आग लग रही है। ये सब आपने देखा? जी देखा था हमने देखा है सब कुछ। हमने खुद देखा था इस चीज़ को ही। कुछ सामान वगैरह लेकर आ रहे हैं, चढ़क चढ़क के आग लगा रहे हैं। फिर हमने उसके बम वगैरह की भी आवाज़ें सुनी। हमारे खुद आंगन में ऊपर वाले पे थी मैं, तो उस पर भी ईंट वगैरह आई थी। हमारे घर पे भी थोड़ा सा मतलब खरोच वगैरह सब कुछ आई भी है। लेकिन सबका यही हाल कि हम कैसे निकलें कैसे निकलें। मैंने सब जगह फ़ोन लगाया, किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। पुलिस को फ़ोन लगाया, सारी रात रही मैं कमरे में, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, कोई भी नहीं आया। जब हमने इधर की तरफ मुस्तफाबाद में फ़ोन घुमाया, ठीक है, आज ही उनके तरफ से भी यही खबर आई, हम आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने बहन भाइयों को यहाँ से भी लगाया गया, हमारे भाई चमन पार्क वाले भाई, और हमें ये लोग बचा के जब लेकर आए, जब उन्होंने कहा तुम उतरना मत जब तक हम हाँ नहीं जाएँ। हमने 30 मंजिल पर देखा था झाँक करके कि हाँ कुछ लोग हमारे भाई वगैरह सब खड़े हैं। हम तब निकल आए, उसके बाद में हमने ताला लगाया। ताला लगाने के बाद हमने ये नज़ारा देखा था
हमने ये नज़ारा देखा था कि ये समझ लिए हम, हमारे के छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, हम कांच पे से चल कर आए, कांच पे से चल कर समझ लिए ये ज़मीन जो ना भूख रही थी, भूख आगों से हमें पता है किस तरीके से ये दर्द हमारे जो सीने में है ना, ये दफन हो चुका है। सब कहते हैं मुसलमान भाई या हिंदू भाई सभी के कहाँ जाएंगी ये बेटियाँ जिसकी मतलब शादी हो रही है, बारात आने वाली है, मेहंदी लगा हुई है, इनके घर लुटे हैं, क्यों लुटे हैं बताओ, इसी को कहते हैं भाई बेटी बचाओ, कहाँ से बेटी बचाएंगे, तुमने तो सब कुछ ही लूट लिया हमारा, बताओ किराया वालों के आग लग गई, जिसके मकान है उसके लग गई, छोटी छोटी बच्चियाँ आएंगे कहाँ जाएंगे, इन चमन पार्क वाले मुसलमान भाइयों का हम खा रहे हैं पी रहे हैं, बहुत हमारी सेफ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बस एक ही बात कहूँगी, इनका इंसाफ होना चाहिए। देखो तेजाब इनके राया है, उनके आया सब तकलीफ में बैठे क्यों बैठे हैं, सब्र करके बैठे हैं, बताओ अपने बच्चों को रात को लेके हम लोग निकले हैं, किस हालत में निकले हैं, बहू बेटियां सब है, अब इस टाइम चले आप बच्चों के पेपरों का, अन बेटी पढ़ाओ बचाओ, हमारे बच्चों को तो भविष्य ही खराब कर दिए, ऐसी सरकार कभी नहीं आई, कभी नहीं देखी, इस सरकार ने तो हमें बर्बाद कर दिया, क्या निशाना मुसलमान ही है, मुसलमान ही निशाना बना रखा इस सरकार ने, देखो हमारा क्या कसूर है, हर प्रधानमंत्री आता है वोट देते हैं, अब जिसका नसीब है वही जीतेगा, 10 साल अब भी दोबारा मोदी जी, अब भी दोबारा मोदी जी जीते थे, पहले भी जीते थे, अब उनके वोट आई इनके केजरीवाल के, अब वो कहते हैं केजरीवाल को बुलाओ, हाजी इन उसको बुलाओ जिनको तुमने वोट दिए हैं, अरे वोट तो हमने तुम्हें भी दिए थे, वोट तो हमने तुम्हें भी दिए थे, तुम 10 साल जीत गए, आपके केजरीवाल जीत गए, तो हमारा क्या कसूर है, मुसलमानों की क्या गलती है, जी जी आ जाओ, आज़ादी चाहती हो तुम, आज़ादी ले लो हमसे, आओ हम देंगे आज़ादी, कितने गंदे गंदे लफ्जों से हमारी बेइज्जती की जा रही है। हमारी बाहर जो ठेली खड़ी थी, बीच में लगाई आग, नाले किनारे लगाई आग, ठेली खड़ी थी नाले किनारे, इन उसमें आग लगा दी, हमारा घर अभी सेफ है, अभी हम पहुँचे नहीं दोबारा उस घर में, लूट लिया बस खाली। हाँ जी, लूटने वाले कौन लोग थे, आपने देखा? पता नहीं कौन थे बाहर, हम तो यहीं बाहर ही निकले आए थे। आप पहले निकल आए? हाँ जी। किसने बोला आपको कि यहाँ पे ऐसा होने वाला है, क्या सब लोग बोल रहे थे वहाँ पे कि ऐसा हो जाएगा? नहीं जी, दिन के 2:30 बजे से जोहर के बाद से लड़ाई चालू थी, शिव बिहार में 1:30 बजे से लड़ाई चालू थी, मंगलवार से जैसे लड़ाई चालू थी, तो मान लो हम लोग तो ये देख रहे थे कि इधर नहीं आ पाएंगे, थोड़ी बहुत तो लड़ाई सब में होती है, तो हम उन लोगों ने ये देखा थोड़ी बहुत लड़ाई हो रही है, तो हम लोगों जब हम लोगों की स्थायी जगह है, रह रहे हैं हम 20-25 साल से, तो हमारे घर मकान है, हम लोग ये नहीं सोच रहे थे घर से बेघर होने पड़ेगा, तो मैडम देखा कि सब लोगों ने ईंट पत्थर बरसाना शुरू करा और आग लगाने घरों में सिलेंडर फोड़ना शुरू करा, जी हमने देखा, हम लोगों का मैडम शमशान घाट से सिलेंडर उड़ के आया 25 फुट पे मदीना मस्जिद के पास, इतना भारी खूब बढ़िया खूब बड़ा उड़ के आया, तो मैडम बड़ी मुश्किल से हम घर से निकल के मदीना मस्जिद में घुसे, मदीना मस्जिद में कोई भी नहीं था, जब कोई नहीं था तो मैडम थोड़ा सा पेट में खौफ लगा, डर लगा पेट में कि जब मस्जिद में कोई नहीं तो हम अकेले कैसे बचते, तो हम मैडम ऊपर छत पे गए, जब मस्जिद शहीद हो रही थी तो उस टाइम हम वहीं पर थे, हाँ ये देवर हमारे ये भी थे हमारे साथ में, हम 5 2 लड़के एक लड़की और हम दोनों मियाँ बीबी और ये और एक लड़का और था मोहल्ला का, तो हम 6-7 जने वहीं मस्जिद में ही थे, हम सब लोगों को कॉल कर रहे हैं, हम 100 नंबर भी कॉल कर रहे हैं मैडम, 100 नंबर वालों ने किसी ने कॉल नहीं उठाई, उठाई तो ये कह दिए ये यूपी नंबर है, दिल्ली नंबर लगाओ, तो मैडम हमें तो इतनी मालूम नहीं कि हम किस पे नंबर लगा, जो हमारे 100 नंबर चल रही थी हम तो वो ही पता है, तो फिर हमने मान लिया जो देवरानी जेठानी हमारी पहले निकल आई थी, तो इन लोगों ने जो फोर्स खड़ा था उनके हाथ पैर पकड़े जाके खूब कहा जाके सर चलिए मेरे साथ, मेरे घर वाले ऐसे ऐसे मदीना मस्जिद की छत पर फंसे हैं, लेकिन नीचे आतंकवादी थे मैडम, आतंकवादी आतंक खूब नारे जय श्री राम वाले नारे लगा रहे, खूब मस्जिद में मस्जिद पूरी शहीद है, मान लो अल्लाह का घर है तो चारों तरफ से शहीद हो ही चुकी थी, तो हमने कहा अल्लाह पाक तो ही है मेरी रखवाली करने वाला, जब फोर्स खड़ा है वो नहीं आ पा रहा तो आम आदमी कैसे आ जाएगा,
हैं, लेकिन हम वहाँ से निकले तो मैडम कोई भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है जो हम अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ तक लाके पुलिया पे छोड़ा। और कनम पुलिया पे जब आ गए तो मुझे ये फौजी लोग मुझे पकड़ने लगे, चलो चलो जल्दी से चलो जल्दी से चलो। हमने कि अब कहाँ मुझे हाथ लगा रहे, मेरे अल्लाह ने मुझे वहाँ से यहाँ तक भेज दिया, अब मुझे हाथ लगाने से क्या, अब मुझे कौन मारेगा, कोई नहीं मारेगा, अब तो हम सब लोगों में आ गए हैं। तो मैडम मदद करने के लिए उतने टाइम हम 2:30 बजे रात के निकले, कॉल कर करके हम परेशान हो गए। 100 नंबर और ये जो फोर्स खड़ा था पुलिया पे, सब लोगों के पैर पकड़े, मगर मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मैं जब मर जाऊँ तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मेरे लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। यह लिखा हुआ है मुस्तफ़ाबाद की एक गलियों में, जहाँ पर चल रहा था प्रदर्शन, और इस समय यहाँ पर गली गली में लहू बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं, आग की अभी तक गंध फैली हुई है। और हमें दिखाई देती है कि किस तरह से इस आग की गंध को कम करने के लिए पानी का छिड़काव करती हुई दिल्ली की सड़कों पर ट्रक चल रहे हैं। एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से यहाँ कत्लेआम हुआ है, जिस तरह से यहाँ आगजनी हुई है, यह बहुत टारगेटेड है। और मीडिया को लेकर यहाँ के लोगों में बेहद नाराज़गी है, क्योंकि वे कहीं से भी सच को दिखाने का हौसला नहीं रख रहे।